हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नया एक्सपेरिमेंट। तो आज हमारे पास है ये वाइट सा मटेरियल, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर है कास्टिक सोडा। आज हम जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे कास्टिक सोडा के ऊपर। तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लेके आते हैं। हमें चाहिए एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सा पानी। अब हम जो है इस कास्टिक सोडा को इस ग्लास के अंदर डालेंगे। कास्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो अभी हम इसके अंदर डालते हैं। और हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉइल, तो हम इस कास्टिक सोडा इसके अंदर डालते हैं। ओके। इतना काफ़ी रहेगा। तो आप देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है, वाइट से फ्लेक्स हैं इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। इतना पानी काफ़ी रहेगा। तो अब हम इसको मिला लेते हैं ढंग से। तो ये जो ग्लास है गर्म हो गया है, इतना भी गर्म नहीं हुआ, नॉर्मल, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। और इससे हम बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। तो इसके अगर हम डालते हैं इसके अंदर, तो आप देखिए एल्युमिनियम जो है ये एकदम इसके अंदर उबल रहा है और इसके अंदर डिजोल्व हो जा रहा है। जो इसके अंदर से गैस निकल रही है वो गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और थोड़े से वेपर है। और डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम अपने पास। ये देखिए, तो ये आप देखिए ये कैसा हो गया है। जो वाइट सा पानी था फ्लूइड टाइप में, इसमें ये बिल्कुल ब्लैकिश टाइप का हो गया है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। वो हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से एक्सोथर्मिक होती है। तो हमें एक बोतल लेनी है, उसके अंदर हम डालेंगे ये कास्टिक सोडा। अरे भाई रुक जा, नहीं इसको हम साइड रखते हैं। तो अभी हम इसके अंदर डालते हैं पानी। और अब हम इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल डालते हैं। तो ये जो प्लास्टिक की बोतल है वो पिघलने लगेगी अगर ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक हुई। तो यहाँ भी देखिए किस तरीके से पिघल चुकी है, ये देखिए। तो ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन। पूरी बोतल पिघल चुकी है और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, ये देखिए पहले बोतल कैसी थी और अब कैसी हो गई है। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, अब हम जो है इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस को बलून में भरेंगे। हाइड्रोजन निकालने के लिए हमको चाहिए ये एक कांच की बोतल, क्योंकि जो प्लास्टिक की बोतल है वो पिघल जाती है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं पानी और हम डालते हैं ये कास्टिक सोडा। तो अब हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल है, इसको निकालते हैं। तो अब हम धीरे धीरे इसमें इसको डाल देंगे, इसको पहले मिला लेते हैं। तो जल्दी इसके ऊपर बलून लगाते हैं हम। We are not alone. There's more than life than
आप देखिए खतरनाक साउंड आती है। तो इसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस है, हम इस टॉर्च को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है घर पे बिल्कुल ही ट्राई नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर आपको, और इसके पीछे रीज़न है कि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, जैसे ही हम इसको पानी में मिलाते हैं और इसके अंदर एल्यूमिनियम डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कि हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और इसके अंदर बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। बस इतना ही इसका रीज़न है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।